देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 लोग एक ही परिवार के थे। इसके बाद गसुआ पारा में लैंडस्लाइड हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। नेपाल में तेज बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 20 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इन गांव के स्कूल, कॉलेज और सड़कें भी डूब चुके हैं। गोरखपुर में भी 29 गांव बाढ़ में डूबे हैं। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर होने की वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। बिहार में करीब 17 जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में शनिवार को 11 जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। इसमें सुकमा जिले सबसे गर्म रहा, तो वहीं धौलाधार पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है।